ये माहौल कुछ ऐसे है कि मैं इस टाइम जा रहा हूँ पाल स्टेडियम में और वहाँ पे कबड्डी के वर्ल्ड कप के मैच हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रश है। वो जो टिकट है मुझे बहुत जो VIP पास था उसका मुझे कंफर्मेशन हुई है, मेरे एक दोस्त है सनाउल्ला, उसने भी इसकी कंफर्मेशन की है कि आपका VIP जो पास है कंफर्म हो चुका है, आप आ जाएँ। और मैं इस टाइम जा रहा हूँ तकरीबन आधे घंटे में मैं रेडी होके जा रहा हूँ पाल स्टेडियम में और बाइक भी चला रहा हूँ। बहुत ज़्यादा रश भी है, लास्ट मिनट ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था। मैं इस टाइम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रोड से जा रहा हूँ और काफ़ी ट्रैफिक जाम था यहाँ पे जाल के पुल के ऊपर और नोल्टी पुल के ऊपर भी। और इस टाइम मैं तकरीबन स्टेडियम से थोड़ा सा दूर हूँ। चेकिंग के बाद हम अंदर जाएंगे और उसके बाद फिर हमारी अभी यहाँ पे तलाशी होगी, तलाशी बाद हम अंदर जाएंगे। लेकिन नेट तो यहाँ हाँ जी ब्लॉगिंग है। एक मिनट वापस आ, इधर वापस आ, इधर आ तो इधर वापस। सर चेकिंग यहाँ पे ज़बरदस्त हो रही है सर, लैन बना लिया सर, लैन बना लें आप कैमरे वाले पहले तू जा यार। नहीं सर सही काम कर रहे हैं, और कोई काम नहीं कर रहे हैं। हमारी एंट्री हो चुकी है इस टाइम, अभी हम अंदर जा रहे हैं एंट्री करवाने के बाद और यहाँ पे पब्लिक को एक एक बंदे को चेक करके अंदर भिजवा रहे हैं। पाकिस्तान इज़ अ सेफ कंट्री। हम इंटर दाखिल हो रहे हैं अंदर और तलाशी के बाद हम अंदर जा रहे हैं। जो कोई भी है तलाशी दे के आएगा, बगैर तलाशी के नहीं आएगा। सिक्योरिटी फुल टाइट है, ज़बरदस्त है फैसलाबाद में। अरे तो चेकिंग कर लो यार, कवर करो। ईरान की टीम हमारे पास से जा रही है इस टाइम अपने अगले मैच के लिए। हमारे साथ मौजूद है मलक बनियामीन और ये इस टाइम फैसलाबाद कबड्डी वर्ल्ड कप का हिस्सा है। ये बताएं कि पाकिस्तान में वर्ल्ड कप आया और आपका होम टाउन है फैसलाबाद, यहाँ पे आपको जो वर्ल्ड कप आया आपकी क्या फीलिंग्स है? अच्छा मैं साथ एक और भाई भी आप भी हैं प्लीज़, अली फुड़ाया साहब, ये गुजरात से हैं और आप पाकिस्तान वर्ल्ड कप की कबड्डी टीम का हिस्सा हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अज़रबैजान और कनाडा का मैच हो रहा है। पाकिस्तान का मैच काफ़ी लेट है इस टाइम, बहुत ज़्यादा रश है। नेक्स्ट मैच ऑस्ट्रेलिया का था जर्मनी के साथ, ऑस्ट्रेलिया ग्राउंड में उतर रही थी। अपनी कबड्डी खेल ऐसे नौजवानों के पक्के वालों ने और देखा जा रहे हैं, एक सामाजिक संदर्भ का कमी है। अज दौर नहीं है जो प्लेयर बनना, लगोटे का भी साफ होना चाहिए वा, सुबह शाम प्रैक्टिस होनी चाहिए है। रोजाना ठीक हो गया, हफ्ते बाद जाते हैं 15 मिनट दिन थोथा पै जाता, पूरे पैरों से नहीं नस हों, पप्पा भार नस हों, जितनी देर पप्पा भार है पूरे पैर में नहीं दौड़ हों। बुज़ुर्ग भी वर्ल्ड कप कबड्डी का मैच देखने के लिए पास स्टेडियम में मौजूद थे और कबड्डी के मैच से महसूस हो रहे थे। कबड्डी में सबसे नया दुनिया देखी है।
بچوں کو موبائل سے نکال کے ان کے فیملی ممبران اقبال اسٹیڈیم میں لے کے آئے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ بچوں کو ذہنی اور جسمانی نشوہ کے لیے اقبال اسٹیڈیم میں لے کے آئے ہیں تاکہ ان کو پنجاب کا کلچر پتہ چل سکے اور پاکستان میں جو انٹرنیشنل میچز کی شروعات ہوئی ہے اس کا بھی ان کو پتہ چل سکے۔ صحیح، اس سے اچھا ہے یہ کہ اس طرح کی ایونٹ ہونی چاہیے، ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے تاکہ جو نوجوان نسل غلط رستے پہ جاری وہ اس طرح کے کھیلوں کے میدانوں میں آئے، اور ہمارے جو نوجوان وہ اپنا، یہ بات صحیح ہے کہ وہ نوجوان جو غلط سائڈ پہ جا رہے ہیں وہ اس سائڈ پہ آئیں، اپنے اسپورٹس مین شپ کو اچیو کریں اور پاکستان کا نام بھی روشن کریں اور اپنی فٹنس کو بھی باہر رکھیں۔ گھر کی طرف نکل رہے ہیں اور بہت زیادہ مزہ ہے یہاں پہ، آج زبردست انوائرمنٹ تھا، زبردست یہاں پہ ماحول تھا، سیکورٹی بڑی زبردست تھی، یہاں پہ اسٹیڈیم میں لوگ آئیں، اور میں کہوں گا پریفر کروں گا سیکورٹی ٹھیک ہے، یہاں پہ لوگ آئیں انجوائے کریں پاکستان میں کبڈی ورلڈ کپ کو، اور پی ایس ایل کے میچ کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے کہ فیصل آباد میں بھی آئیں، فیصل آباد میں میچز ہوں، پی ایس ایل کے لوگوں کو زیادہ انٹرٹینمنٹ ملے اور زیادہ ہمارے پاکستان کے میچ زبردست جائے۔ اسٹیڈیم سے باہر آ چکے ہیں اور اب گھر کی طرف جا رہے ہیں واپسی، میچز ابھی پڑے تھے لیکن کافی اور کام بھی تھے، یہاں پہ اپنا ولاگ کو ختم کرتے ہیں۔ میں موسٹلی ایجوکیشن کے اوپر ولاگ کرتا ہوں، اسپورٹس کے اوپر اس لیے میں نے ولاگ کیا ہے کہ پاکستان کو یہ ڈکلیئر کرنا ہے کہ پاکستان سیف کنٹری ہے۔